एचपी कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया, बाइक रैली निकाली और जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एचपी कंपनी के दर्जनों कर्मचारियों ने सिडकुल स्थित कंपनी के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके उपरांत उन्होंने सिडकुल से जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। वही असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा ने कहा कि एचपी कंपनी एक षड्यंत्र के तहत पंतनगर स्थित कंपनी को बंद कर हजारों मजदूरों के पेट पर लात मारने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंध में नेता प्रतिपक्ष से बातचीत कर इस मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। वहीं एचपी मजदूर संघ के अध्यक्ष विनीत कुमार कपिल ने कहा कि एचपी कंपनी कोरोना काल का खौफ दिखाकर कंपनी को यहां से चेन्नई शिफ्ट का षड्यंत्र रच रही है, जिसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। डीएम ने उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। देखिए, आज बड़े मुझे जैसी जानकारी मिली, ये एचपी जो के जो ये संगठन के लोग हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया कि सर हमारी कंपनी यहाँ से जा रही है और आप आइए और हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ये सिडकुल को बसाया, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने खून पसीना बहाकर इस इंडस्ट्री को जो है यहाँ पे खड़ा किया है, और कैसे कैसे उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों घरानों को लाकर इन उद्योगों को यहाँ पे खड़ा किया, जिसे आज लाखों करोड़ों युवा देश उत्तराखंड के और बाहर से भारी प्रदेशों के अपना कर रोजगार कर अपने जीविका चला रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से कंपनियों को यहाँ से जाने का परमिशन ये भाजपा सरकार देगी तो इसको हमें मंजूर नहीं है। ये इस तरह से कैसे जाने देंगे हम उत्तराखंड से इन फैक्ट्रियों को, जिनको हमने बड़े खून पसीने से कांग्रेस की सरकारों ने इनको बसाने का काम किया है, और आज ये हजारों मजदूर कैसे सड़क पे बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ के मजदूर भाई आंदोलनरत हैं, हम उनको समर्थन देने आए हैं, और हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जिसका घर जिसने घर बनाया होता है वही उसके दर्द को जानता है। घर जब टूटता है तो कांग्रेस को इसका दर्द हो रहा है, और हम इन मालिकों से भी कहना चाहते हैं कि आपको हमने वातावरण दिया अच्छा, आपके हमेशा हम सुख दुख में काम आए, आपको हर तरह से सपोर्ट किया लोकल क्षेत्र के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, तो आपको जाने की ऐसी क्या समस्या है कि आपको फैक्ट्री को बंद करके आज जाना पड़ रहा है, तो आप बताइए। लेकिन हम ये मंजूर नहीं कि यहाँ से कोई भी फैक्ट्री इस तरह से बंद करके चली जाए, वो हमें पसंद नहीं और न वो हमें मंजूर होगा। हम उसके लिए हर तरह के कदम उठाएंगे, लेकिन फैक्ट्रियों को नहीं जाने देंगे।